सवालों का कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में iOS के बटन्स को इनेबल कर सकते हो, क्योंकि गाइस जब हम एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं तो नीचे हमें वर्चुअल बटन्स मिलते हैं बैक करने के लिए, होम करने के लिए, रिसेंट मेन्यू को ओपन करने के लिए। लेकिन दोस्तों यूज करने में मजा नहीं आता है, हमें थोड़ा बोरिंग सा फील होता है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप वर्चुअल बटन को iOS के बटन से रिप्लेस कर सकते हो। यानी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड फोन में iOS के बटन को इनेबल कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, स्टाइलिश लगता है, यूज करने में भी मजा आता है। ठीक है, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई आपने एंड्रॉइड फोन में iOS के रजिस्टर्स को कैसे इनेबल किया है, कैसे आपने इसको एक्टिवेट किया है। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, आप चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप यहां पर ये दो फोन देख सकते हो, एक रेडमी का फोन है, एक रियलमी का फोन है। इन दोनों फोनों के बटन को मैं आपको चेंज करके दिखाने वाला हूं। गाइस एंड्रॉइड फोन में हमें वर्चुअल बटन मिलता है, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन। यूज करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। सिंपली आपको फोन के सेटिंग में जाना है, तो यहां पर हम रेडमी के सेटिंग में जाते हैं। आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इसको ओपन करना है। अब दोस्तों आपके फोन में यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन मोड का। ठीक है, हो सकता है कि आपके फोन में यहां पर शो नहीं हो रहा होगा, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आपको यहां पर जिस्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बटन जिस्टर्स, सिंपली आपको जिस्टर पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर लर्न का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको इसको लर्न करना है कि कैसे ये यूज किया जाता है। अब आपको लर्न पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है। आपको अच्छे से इस तरह स्वाइप अप करना है। ठीक है, अब फिर से आपको स्वाइप अप करना है, इस तरह लाकर छोड़ देना है आपको। ठीक है, यहां पर आप देखो नाइस बोल दिया इसने। अब आपको यहां पर इस तरह स्वाइप करना है, बैक करना है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर राइट साइड में स्वाइप करना है इस तरह। तो इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, आई एम डन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह आप बटन्स को गायब करके यहां पर iOS के जिस्टर्स को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा, आप अपने फोन को स्टाइलिश तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको बैक करना है, ठीक है, तो सिंपली आपको यहां पर इस तरह स्वाइप करना है, आपका बैक हो जाएगा। आप इसको लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, आप दोनों तरफ से बैक कर सकते हो। ठीक है, आप देखो बैक हो रहा है। अगर आपको होम ओपन करना है, रिसेंट मेन्यू को ओपन करना है, आप इस तरह ओपन कर सकते हो। इस तरह गाइस आप वर्चुअल बटन को हटाकर यहां पर ये जो iOS का जिस्टर है उसको इनेबल कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। बैक करना है, आप इस तरह करो, बैक हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को आप Realme के फोन में कैसे इनेबल कर सकते हो। सिंपली आपको Realme के सेटिंग में जाना है। Realme के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा स्वाइप अप जिस्टर फ्रॉम बोथ साइड, आपको इस पे टिक कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हो बैक बटन गायब हो चुका है, आप इस तरह स्वाइप करके बैक कर सकते हो और होम इस तरह ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप अपने फोन में iOS के बटन्स को इनेबल कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि आपका जो डिस्प्ले है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, जो वर्चुअल बटन्स होते हैं वो काफी स्पेस लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दोनों फोनों में वर्चुअल बटन जो है वो गायब हो चुका है, वर्चुअल बटन गायब हो गया है, हमारा जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो गया, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।